जिन राज्यों में कोरोना संकट है वहां सबसे बड़ा संकट तो अस्पताल में बेड का है। अस्पतालों के बाहर बेड नहीं है, इसकी पर्चियां चिपका दी गई हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों के तमाम अस्पतालों की गैलरी में स्ट्रेचर पर मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं बेड न मिलने की वजह से कई गंभीर मरीज दम भी तोड़ रहे हैं। अस्पताल तो हैं, लेकिन बेड का अकाल पड़ा हुआ है। हालात यहां तक पहुंच गए कि दिल्ली की राजधानी के नामी अस्पतालों के बाहर स्ट्रेचर पर मरीजों के इलाज की कई तस्वीरें सामने आई। सरकारें दावा कर रही हैं कि कहीं बेड का संकट नहीं है, लेकिन अस्पतालों में देखिए क्या हाल है। ये राजस्थान में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल का हाल है। देखिए किस तरह अस्पताल की गैलरी में मरीजों को रखकर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में बेड का टोटा हो गया है। बाहर उन लोगों की कतार है जिनके परिजनों को बेड नहीं मिला। ये हाल सिर्फ सरकारी अस्पतालों का नहीं है, भीलवाड़ा के प्राइवेट अस्पतालों में भी यही हाल है। बांगड़ अस्पताल कोविड मरीजों से फुल है, तो अस्पताल के कॉरिडोर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। और अब आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान के उदयपुर में। ये उदयपुर का महाराजा भोपाल सरकारी अस्पताल है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 760 बेड हैं और वो फुल हैं। बाहर इंतजार करने वालों की कतारें लगी हुई हैं। मेरे ठीक पीछे आईसीयू है और हमें बताया गया है कि इस पूरे हॉस्पिटल में 263 बेड्स हैं, जिसमें से करीब 150 ऑक्सीजन बेड्स हैं, बाकी वेंटिलेटर बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं। और जितने भी इस वक्त आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर बेड्स हैं सभी पूरे तरीके से फुल हैं। जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिले वो अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़े। कब से खड़े हैं इस वक्त यहाँ पे? सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। सांस में तकलीफ है भैया को, और कल पॉजिटिव आए थे, अभी यहीं पे बैठे हैं। बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं, यहाँ पे बैठे हैं। तो सुबह से ही आपके हस्बैंड, आपके रिलेटिव हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है, इनको सुबह से बेड नहीं मिल पा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन अभी दिए? हाँ जी अभी दिया है, ऑक्सीजन तो है, बाकी बेड नहीं मिल पा। इनको सुबह से ना तो इन्होंने कुछ खाया है ना पिया है, पानी भी नहीं लिया कुछ भी, और इन्हें कुछ भी नहीं देख रहे हैं। एक बार भी डॉक्टर्स नहीं है देखा? मैंने कहा इनका सिटी स्कैन वगैरह नहीं हुआ है सर, कुछ देख लीजिए आप, करवाइए। तो क्या दो घंटे ऑक्सीजन लगेगा, सिटी स्कैन होने में लगेगा, दो घंटे में तो ये सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। राजस्थान के ज्यादातर अस्पतालों का यही हाल है। पाली जिले की ये तस्वीर देखिए, 65 साल की तारा देवी की हालत बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन इन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑटो में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जयपुर के सबसे बड़े कोविड सेंटर में लोग फर्श पर बैठकर इलाज करा रहे हैं। राज्य के तमाम अस्पतालों का यही हाल है, मरीज हैं लेकिन बेड नहीं है। राजस्थान सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए वेबसाइट लॉन्च की है, covidinfo.rajasthan.gov.in। इनमें खाली बेड की स्थिति दिखाई जाती है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आरोप है कि हम अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। राजस्थान सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ वेबसाइट पर डाल दिया है कि कहां कितना बेड अवेलेबल है। ये वेबसाइट है राजस्थान सरकार का COVID-19 के नाम से, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट वाइड जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो कितने कहां पर उपलब्ध हैं। अब जाकर देखते हैं हम, ये सारे जिले का नाम है, वहां पर कितना जनरल बेड है, कितना ऑक्सीजन बेड है, कितना आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर है और कितना आईसीयू विथ वेंटिलेटर है, और सबके बारे में आंकड़ा दिया हुआ है। लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि वेबसाइट पे भले ही दिखा रहा है लेकिन अवेलेबल नहीं है। अब इसे देखते हुए हम फोन करके देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। हेलो, हाँ जी मैडम, मैं ट्राई कर रहा था जयपुर में, ये हालत है। हेलो करके उन्होंने फोन रख दिया। मैडम आप फोन क्यों रख दे रही हैं? हेलो, आप फोन क्यों रख दे रही हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि वेंटिलेशन वेंटिलेटर खाली है कि यहाँ किसी आईसीयू में? नहीं, वेंटिलेटर अभी तक मैं जयपुर में कहीं खाली नहीं है। तो आप वेबसाइट पर दिखा रहा है कि 5 खाली हैं? आप किस पे? ये जो COVID-19 वेबसाइट जहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है, कौन सा हॉस्पिटल में खाली दिखा रहा
नहीं, इसमें तो जिलेवार दिखाता है कि कहाँ पर कितना खाली है, कितना भरा हुआ, उसमें दिखा रहा है कि पांच, मैं तो आपको बता सकती हूँ कि आरएचएस जयपुर में खाली नहीं है। कहाँ खाली है बता सकती हैं आप? नहीं सर, अभी तो कहीं खाली नहीं है। ठीक है मैडम, ऐसे समय में सरकार को गुमराह नहीं करना चाहिए जब वो मारे मारे फिर रहे हैं। अगर बेड नहीं है तो इस पर नहीं दिखना चाहिए, ताकि लोग अपना विकल्प ढूंढे, अपना समय बर्बाद नहीं करें। वेबसाइट पर खाली बेड की सूचना तो है, लेकिन यहाँ संपर्क करने के लिए जितने नंबर दिए गए हैं उनमें से ज्यादातर तो लगते ही नहीं। फोन उठता है तो जवाब आता है कि बेड खाली नहीं है। कोरोना मरीजों के लिए बेड का इंतजाम करने की अब तमाम राज्यों की सरकारें सोच रही हैं। दिल्ली के छतरपुर में 500 बेड का नया कोविड सेंटर शुरू किया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इसकी याद अभी क्यों आ रही है? क्या राज्य सरकारों को पहले से ही इस संकट का अंदाजा नहीं था? उदयपुर में तनुश्री पांडे के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।